मूवी की शुरुआत साल 2005 से होती है, जब हम फेलिक्स नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बहुत चौदू होता है। एक दिन जब वो अपनी क्लास में सिस्टर के लेक्चर से बोर हो रहा था, तब वो सिस्टर की गंदी ड्राइंग बना देता है। उसके कुछ दोस्त उसे देखते हैं और उसे आगे के स्टूडेंट को पास करते हैं। आखिर में वो ड्राइंग सिस्टर तक पहुँच जाती है। फेलिक्स उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है और सारे बच्चे सिस्टर को बता देते हैं कि उनकी ये गंदी ड्राइंग फेलिक्स ने बनाई है। इस पर सिस्टर बहुत गुस्सा होती है। वो पनिशमेंट के तौर पर फेलिक्स को पूरी बाइबल अपने हाथों से लिखकर अगले दिन तक जमा कराने को कहती है। इसके बाद फेलिक्स अपने दो दोस्तों गार्फील्ड और लाइनो के साथ कैंटीन में बैठा होता है। तभी इन तीनों की नज़र निकिता नाम की लड़की पर पड़ती है और ये आपस में निकिता को लेकर गंदी गंदी बातें करने लगते हैं। तब एक लड़का अपनी क्रश की फ़ोटो लेकर फेलिक्स के पास आता है और उसे अपने क्रश की गंदी ड्राइंग बनाने को कहता है ताकि वो उसे देखकर मुट्ठी मार सके। वो उसके लिए गंदी ड्राइंग बना देता है। इसके बाद फेलिक्स के पास कैथी नाम की लड़की आती है जो कॉलेज में इंटीरियर डिज़ाइनर का कोर्स करती है। वो बहुत धार्मिक टाइप की लड़की है और उसने तो बकायदा चर्च में प्रे किया था कि कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो बहुत गुनाह करता हो, फिर कैथी उसे सही रास्ते पर ले जाएगी। इसके बाद वो उसे अपना बॉयफ्रेंड भी बना लेगी। पूरे कॉलेज में सभी जानते थे कि फेलिक्स से ज़्यादा चौदू कोई नहीं है, इसलिए कैथी फेलिक्स को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी। कुछ दिनों के बाद कैथी का बर्थडे आने वाला था और कैथी चाहती थी कि वो फेलिक्स के साथ इंटीमेट हो, जिसके लिए फेलिक्स थोड़ा सा भी एक्साइटेड नहीं था। वो अब तक वर्जिन था, इसके लिए उसके दोस्तों को उस पर शक होने लगता है कि कहीं वो गे तो नहीं है, क्योंकि जब लड़की सामने से देना चाह रही है तो फेलिक्स पीछे क्यों हट रहा है। उसी रात फेलिक्स मार्केट से कुछ सेक्स स्कैंडल की टिप्स लेकर घर आता है। साथ ही घर पर वो कुछ स्प्रिंग रोल बनाता है। फिर उसे याद आता है कि कुछ लोग स्प्रिंग रोल से भी प्लेजर लेते हैं, इसलिए वो उससे भी प्लेजर लेता है। जैसे ही काम खत्म होता है वैसे ही उसकी आंटी घर आ जाती है। उन्हें देखकर फेलिक्स स्प्रिंग रोल को वापस प्लेट में रख देता है तो आंटी इस्तेमाल किए हुए स्प्रिंग रोल्स को खाने लगती है और ताज्जुब की बात यह है कि उन्हें बहुत टेस्टी लगते हैं। अगले दिन फेलिक्स स्कूल के लिए निकलता है तो उसकी नज़र नोरा नाम की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। थोड़ी देर में एक आदमी उसका फ़ोन छीनकर भागने लगता है। फेलिक्स उस आदमी को रोकता है और नोरा उसे मारने लगती है। उस वक्त गलती से फेलिक्स के हाथ से नोरा का ड्रेस फट जाता है और सब कुछ दिखने लगता है। इससे फेलिक्स डर जाता है। वो अपने जैकेट नोरा को देखकर अपने क्लास में आकर बैठ जाता है। फिर उसके टीचर बताते हैं कि किसी प्रॉब्लम की वजह से बायोलॉजी की टीचर ने छुट्टी ली है, मगर उनके ऑप्शन में उन्हें पार्ट टाइम टीचर नोरा पढ़ाएगी। फेलिक्स नोरा को देखकर हैरान हो जाता है और खुद को छुपाने की कोशिश में लग जाता है। रात में फेलिक्स के फ्रेंड सोशल मीडिया पर बात करते हैं कि आज नोरा ने जो जैकेट पहना हुआ था वो जाना पहचाना सा लग रहा था। तभी नोरा फेलिक्स को मैसेज करती है, इसलिए फेलिक्स घर पर ही नोरा को इमेजिन करके इंटीमेट होने की प्रैक्टिस करने लगता है। फिर वो अपनी आंटी के साथ नीचे खाना खाने जाता है। तब उसकी आंट बताती है कि 3 महीनों के लिए उनके घर पर गेस्ट रहने वाली है। थोड़ी देर में नोरा वहाँ आ जाती है। उसे देखकर फेलिक्स डाइनिंग टेबल के नीचे छुप जाता है। फिर उसकी आंट नोरा को बताती है कि ये उसका घर नहीं है, ये तो उसकी बहन का घर है। और फिर हमें पता चलता है कि फेलिक्स की मॉम और नोरा की मॉम दोनों फ्रेंड्स हैं। उसकी मॉम जापान घूमने के लिए गई हुई है, इसलिए फेलिक्स की केयर करने के लिए उन्हें अपनी सिस्टर को बुलाया हुआ है। टेबल के नीचे फेलिक्स को नोरा की खुली टांगें दिख रही होती हैं। आंट फेलिक्स को बाहर निकलने के लिए कहती है और फेलिक्स बहाना बनाता है कि नीचे कुछ कॉकरोचेस हैं और वो उन्हें मार रहा है, लेकिन उसे आखिर में बाहर निकलना ही पड़ता है। जिसे देखकर नोरा हैरान तो होती है, पर मार्केट में जो कुछ भी हुआ था वो फेलिक्स की आंट को नहीं बताती। इसके बाद फेलिक्स अपने फ्रेंड्स गार्फील्ड को कॉल करके सारी बात बताना चाहता है, मगर नोरा फेलिक्स की लैंडलाइन की वायर ही निकाल देती है। फिर वो अकेले में फेलिक्स से बात करती है और उसे समझाती है कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो किसी को भी नहीं बताया। साथ ही वो ये बात बताने से भी मना करती है कि वो फेलिक्स के घर पर रहती है। इसके बाद जब फेलिक्स अपने कमरे में सो रहा होता है तब वहाँ नोरा आकर अपने कपड़े उतारने लगती है और फेलिक्स को टांगे खोलकर देने लगती है। इसके बाद फेलिक्स की आंखें खुलती हैं क्योंकि वो सपना देख रहा था। इसके बाद फेलिक्स कॉलेज आता है तो वहाँ सारे लड़के नोरा को देखकर बस एक ही बात कह रहे हैं कि काश वो नोरा की क्लास में होते तो मज़ा ही आ जाता। फिर नोरा अपनी क्लास में जाती है तो देखती है कि क्लास के सारे लड़कों ने उसके लिए गिफ्ट और फ्लावर डेस्क पर रखे हुए हैं। वो इतना प्यार करने के लिए अपने स्टूडेंट को शुक्रिया अदा करती है, फिर पढ़ाने में बिजी हो जाती है। कॉलेज के सारे लड़के नोरा के दीवाने हो जाते हैं और उसके बारे में हर एक चीज़ जानना चाहते हैं, पर फेलिक्स नोरा में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं और एक दिन फेलिक्स नोरा को एक लड़के के साथ कहीं जाते हुए देखता है। उसी दिन कैथी का बर्थडे होता है, इसलिए वो फेलिक्स को अपने साथ एक होटल में ले जाती है, जहाँ पर काफ़ी कोशिश करने के बाद भी फेलिक्स एक्साइटेड नहीं होता, इसलिए कैथी रोने लगती है। तो फेलिक्स उससे वादा करता है कि वो किसी और दिन उसके साथ ज़रूर इंटीमेट होगा। अब वो अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर में नोरा भी घर आती है। वो काफ़ी ज़्यादा नशे में थी। तब उसे पता चलता है कि फेलिक्स आज फिजिकल होने गया था, पर वो कामयाब नहीं हो पाया। नोरा उसका मजाक उड़ाने लगती है। फेलिक्स अभी तक वर्जिन है। फिर फेलिक्स उससे पूछती है कि आज वो किसके साथ गई थी। तब वो उसे बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी और आज उसका ब्रेकअप हो गया क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया।
गया था। नोरा उससे बात करते करते सो जाती है। इसके बाद फेलिक्स सपने में देखता है कि नोरा और कैथी दोनों मिलकर उसे सड्यूस करने की कोशिश कर रही हैं। अगले दिन स्कूल में फिर वही लड़का आता है। अब इस बार वो नोरा की फोटो देता है और गंदी ड्राइंग बनाने को कहता है। फेलिक्स उससे डरता है, इसलिए वो ड्राइंग बनाने के लिए मान जाता है। इसके बाद कैथी आज उसके साथ क्लासरूम में बैठना चाहती है क्योंकि उसके प्रोफेसर किसी रीजन से नहीं आए थे। वो नोरा से परमिशन ले लेती है कि आज वो फेलिक्स के साथ क्लास में बैठ सकती है। जब नोरा पढ़ाने लगती है तब फेलिक्स नोरा को इमेजिन करके खड़ा करने लगता है। कैथी को लगता है ये उसकी वजह से रो रहा है। फिर कैथी उसका औजार हाथ में लेकर मुट्ठी मारने लगती है। इन दोनों की हरकतें नोरा देख रही होती है। उसे काफी ऑकवर्ड लग रहा था इसलिए वो कुछ नहीं बोलती। रात में फेलिक्स अपने रूम में नोरा की ड्राइंग बनाने लगता है मगर वो नहीं बना पाता। फिर वो नोटिस करता है नोरा अपने ब्रेकअप की वजह से काफी परेशान है, इसलिए वो अपना फोन देता है और कहता है कि वो उसे फोन करके अपने दिल की भड़ास निकाल दे। नोरा ऐसा ही करती है जिससे उसे रिलैक्स फील होता है। फिर वो गुस्से में फेलिक्स का फोन फेंक देती है। फिर वो फोन के बदले फेलिक्स को एग्जाम में अच्छे मार्क्स देने का वादा करती है। इसके बाद फेलिक्स को महसूस होता है कि उसकी मॉम और आंट के बाद नोरा ही ऐसी फीमेल है जिससे वो अपने दिल की बात कह सकता है। उसके बारे में सोचते हुए वो उसकी ड्राइंग बना लेता है और उस लड़के को दे देता है। लेकिन पता नहीं कैसे वो ड्राइंग फेलिक्स के क्लास के बच्चों के पास आ जाती है और वो एक दूसरे को पास करते हैं। फिर वही होता है जिसका फेलिक्स को सबसे ज्यादा डर था। वो ड्राइंग नोरा के डेस्क तक पहुंच जाती है और लड़के नोरा को बता देते हैं कि ये ड्राइंग फेलिक्स ने बनाई है। सबको लगता है कि अब फेलिक्स को डांट पड़ेगी पर ऐसा नहीं होता। नोरा को ड्राइंग पसंद आती है और वो फेलिक्स से कहती है कि जब वो बड़ा आर्टिस्ट बन जाएगा तो कहीं उसे भूल नहीं जाएगा। दरअसल नोरा को फेलिक्स के अंदर एक छुपा हुआ आर्टिस्ट देखने लगा था और फेलिक्स ने जो ड्राइंग बनाई थी उसे हैंडटेन कार्टून कहते हैं और इसकी मार्केट में काफी डिमांड होती है। फेलिक्स नोरा से माफी मांगता है कि उसकी वजह से पूरे क्लास के सामने नोरा को उसकी झूठी तारीफ करनी पड़ी। तब नोरा कहती है कि उसने एक भी चीज झूठ नहीं कही। उसे सच में लगता है कि फेलिक्स फ्यूचर में बड़ा आर्टिस्ट बनेगा। इसके बाद नोरा फेलिक्स को अपने हाथों से बनाया हुआ खाना खिलाने लगती है। तभी वहाँ फेलिक्स के दोनों दोस्त आ जाते हैं। वो नोरा को फेलिक्स के घर पर देखकर हैरान हो जाते हैं मगर फेलिक्स और नोरा दोनों को चेयर पर बांध देते हैं। गालफील्ड और लाइनो फेलिक्स पर गुस्सा करते हैं कि उनसे ये बात छिपाई कि नोरा उसके साथ रहती है। तो फेलिक्स उन्हें सारी बात बताता है कि उसकी और नोरा की मॉम दोनों फ्रेंड्स हैं। फिर भी फेलिक्स के दोस्तों को फेलिक्स से जलन होती है क्योंकि फेलिक्स की गर्लफ्रेंड भी थी और वो नोरा के साथ रहता है, जिस पे पूरा कॉलेज मरता है। और दूसरी ओर गर्लफील्ड और लाइनो हैं जिन्होंने किसी को डेट तक नहीं किया है। ये जानने के बाद नोरा उन्हें एक बार में ले जाती है जहाँ खूबसूरत लड़कियाँ इन दोनों को लूट लेती हैं। वहीं फेलिक्स काफ़ी नर्वस होता है क्योंकि जल्द ही उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिजिकल होने की कोशिश करनी होगी। उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि इस बार भी उनके बीच कुछ नहीं हो पाएगा। तब घर लौटने के बाद नोरा फेलिक्स कुछ टिप्स देने लगती है। तभी फेलिक्स को नोरा के लिए कुछ फील होता है और वो उसे किस कर लेता है। अगले दिन वो नोरा को बताता है कि उसने कैथी से ब्रेकअप कर लिया है। इस पर नोरा कहती है कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो उसे आगे बढ़ा सकती थी अगर वो फेलिक्स की टीचर नहीं होती तो, लेकिन वो अब कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन कॉलेज वाले नोरा को निकाल देते हैं जिससे कैथी खुश हो जाती है। इसके बाद फेलिक्स दोस्तों के साथ मार्केट आता है तो उसे वहाँ नोरा और उसका बॉयफ्रेंड का MMS दिखता है जिसे उसने लीक कर दिया था। अब फेलिक्स को समझ में आता है कि नोरा को कॉलेज से क्यों निकाला गया। फेलिक्स को ये सही नहीं लगता और वो तोड़फोड़ करने लगता है। और जब वो घर आता है तो वहाँ से नोरा जा चुकी होती है। इंटरनेट पर सारे लोग नोरा की MMS की बातें कर रहे थे। इसका सोल्यूशन ये था, फेलिक्स खुद का मुट्ठी मारते हुए वीडियो बनाकर अपलोड कर देता है और फेलिक्स के प्लान के मुताबिक सारे लोग नोरा के वीडियो को भूलकर फेलिक्स के वीडियो के बारे में बात करने लगते हैं। इसके कारण फेलिक्स को कॉलेज से निकाल दिया जाता है और फेलिक्स नोरा की याद में शराब पीना शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद नोरा फेलिक्स से मिलने आती है। दोनों घपाघप करते हैं जिसके बाद नोरा उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाती है। इसके बाद सीन फ्यूचर में शिफ्ट होता है। वो आर्टिस्ट बन चुका है, अब उसकी शादी हो चुकी है मगर अभी तक नोरा को नहीं ढूंढ पाया। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।